नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि CGHS कवर्ड शहर कौन कौन से हैं, CGHS के अंतर्गत सुविधाएं पाने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। CG स्टाफ न्यूज की तरफ से 23 अक्टूबर को ये न्यूज पब्लिश हुई है, देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग CGHS, वो सभी केंद्रीय कर्मचारी जो अपनी सैलरी सेंट्रल सिविल एस्टीमेट से ड्रॉ करते हैं और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स CGHS कवर्ड एरिया के दायरे में रहते हैं। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर जो अपनी पेंशन सेंट्रल सिविल एस्टीमेट्स और उनके योग डिपेंडेंट परिवार के सदस्य CGHS ज्वाइन करने के पात्र हैं। CGHS के अंदर मिलने वाली सुविधाएं OPD ट्रीटमेंट, जिसमें दवाएं भी देने का प्रावधान है, विशेषज्ञों का परामर्श पॉली क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में, इंडोर ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टिगेशंस एट गवर्नमेंट एंड इम्पैनल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर यानी परीक्षण, विभिन्न प्रकार के टेस्ट सरकारी और इम्पैनल्ड डायग्नोस्टिक केंद्रों पर भी, कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा सभी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक केंद्रों पर पेंशन भोगियों और आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज के लिए, रीएम्बर्समेंट की सुविधा होगी उस खर्चे की जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हुआ इमरजेंसी के दौरान, हियरिंग एड आर्टिफिशियल लिम्ब जैसे अप्लायंसेस के खरीदने पर खर्चा हुआ उसका भी रीएम्बर्समेंट होगा, फैमिली वेलफेयर मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज की भी सुविधा का प्रावधान है, चिकित्सा परामर्श और आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी और सिद्धा दवाओं की प्रणाली आदि सुविधा का भी प्रावधान है। और दोस्तों, ये लिस्ट उन शहरों की है जो CGHS के दायरे में आते हैं जहां CGHS की सुविधाएं हैं, और ये इनके सामने इनका लिंक दिया हुआ है, आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये टोटल लिस्ट है जिसमें 27 शहर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नित नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।